नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समग्र एकेडमी में। और ये हमारी एक नई क्लास होगी आपके शॉर्ट ट्रिक्स की। इसके पहले भी हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो दी थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि दो अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो हमने उसमें बताया था आपको कि 25 से पहले वाले, मतलब आप याद कर लो, 0 से मतलब 1 से लेकर 25 तक, और 25 के बाद 26, 27, 28, ऐसे 50 तक, और 50 से 75 तक, और 75 से 100 तक, कैसे मतलब 0 to 99 जो हमारे स्क्वायर निकलते हैं। स्क्वायर मतलब जिसे हिंदी में वर्ग कहा जाता है किसी भी संख्या का, तो कैसे निकाले जाते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, निकलता कैसे, 2 का गुणा 2 बार। जितनी भी घात लिखी रहती है उसका गुणा उतनी बार किया जाता है, ये तो आपको पता है बेहतरीन तरीके से। जैसे मान लो 3 का स्क्वायर लिखते हैं, तो इसका मतलब रहता है 3 गुणा 3 बराबर होता है 9। तो ऐसे आप 25 तक याद कर लो, उसकी बात कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों में डाउट है कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो इसकी हम दूसरी भी ट्रिक बता दे रहे हैं आज। तो उसके हिसाब से आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। देखो बता दे रहे हैं कैसे होगा। देखो जैसे मान लो आपको 15 का स्क्वायर निकालना है, तो 15 का स्क्वायर अभी तक कैसे निकालते थे, 15 गुणा 15, और निकालता कैसे, 15 पर 75 7, 15 15 7 22 225। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम अपनी ट्रिक के साथ में, तो आप जरा ट्रिक पे भी ध्यान दे लो। देखो क्या करना है, पंद्रह का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करोगे निकालने के लिए। देखो 15 को क्या लिख सकते हो, 15 को लिख सकते हो आप इसका गुणा इसमें करो और इसका गुणा इसमें कर दो, यानी कि 1 गुणा 5 में करोगे, 5 का गुणा किस में करोगे, 10 में, तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब 1 का गुणा करो, 1 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है, हमेशा लिखोगे दो संख्या में। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और इसमें 10 ऐड कर दो, बीच में जितना बचा हुआ है ये आप इसमें बीच में ऐड कर दो, तो देखो कितना बचेगा 5 2 225। निकल गया, नहीं आई कुछ ट्रिक समझ में, हमें पता है नहीं आई, क्योंकि ये हम सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहे थे। अब हम बताएंगे कि करना कैसे है इसको। देखो अब सीखते हैं हम लोग क्या आज की ट्रिक, और ट्रिक रहेगी कोई भी दो अंकों की संख्या जो कि 0, 1 से लेकर 99 तक के स्क्वायर कैसे निकालोगे, यानी कि वर्ग विदिन कितने, 5 सेकंड में। अब बताओ किसका निकालें, जैसे कि एग्जांपल के लिए समझ लो हम निकालते हैं 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर कैसे निकालोगे। देखो लिखा कैसे जाएगा 21 का ऐसे स्क्वायर, तो 2 का गुणा 1 में करो तो कितना आ जाएगा 2, और 2 का गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो पीछे आ गया 0 4। हमेशा 2 अंकों में लिखोगे क्योंकि स्क्वायर हमेशा 2 अंकों में निकाला जाता है, 0 4 आ गया। अब 2 का स्क्वायर यहाँ पे अलग लिख दो, कितना 4 आता है, लेकिन हमें लिखना है 2 अंकों में, और 1 का स्क्वायर कितना करोगे 0 1। अब जितना देखो बीच में से काट दो, क्योंकि ये था हमारा 2 का और ये था हमारा 1 का। अब देखो 0 4 आया है तो यहाँ से भी काट दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो देखो आंसर क्या आ गया 4 4 1, अपना 21 का स्क्वायर। सरल निकालेगा, गुणा करने का कोई ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा ऐसे 4 लाइनें खींचो और निकाल के देखो। देखो चलो दूसरा ट्राई करते हैं, हम करते हैं 32 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 32 का स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा, तो 3 का गुणा 2 में करो तो 3 दूनी 6, और 6 दूनी 12, कितना आ गया 12, ऐसे खींच लो। ठीक है, 3 का स्क्वायर करोगे 0 9, 2 का स्क्वायर करोगे 0 9, और 2 का स्क्वायर करोगे 0 4, आया था 12, तो यहां भी काट लो 1 और 2 लिख दो, 4 का 4 2 का 2 9 1 10, 32 का स्क्वायर 1024। ट्राई कर लेना, कैलकुलेटर पर भी देख लेना कि हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला करते हैं, मान लो 52 का स्क्वायर करना है, कितना करना है 52 का स्क्वायर, क्या करो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, आ गया। 5 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 25, लाइन अपनी। 2 का स्क्वायर करोगे 4, लेकिन 2 में लिखा जाता है, 20 आया, 2 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, जोड़ दो 4 0 7 2 2704, करके देख लेना कैलकुलेटर पर सही आ रहा होगा शायद। अगला करते हैं 55 का स्क्वायर करके देखते हैं, ठीक है 55 का स्क्वायर करोगे 25 और 25 दूनी 50, समझ में आया। 5 का स्क्वायर 25, इस 5 का स्क्वायर 25, बीच में से ऐसा होगा 5 इस तरफ 0 इस तरफ, 5 2 5 दूनी 10 भाई 300, 3025 अपना आंसर। कोई लंबा चौड़ा
भाषण करने की जरूरत ही नहीं, कुछ भी। ठीक है, अगला करते हैं। मान लो कितने का 79 का करना हो, 79 का स्क्वायर निकालो भैया। ठीक है, तो 67 63 और 63 दूनी 6 63 दूनी इतना ही आएगा ना। ठीक है, देखो 7 63 और 63 दूनी 126 आ गया भैया। 7 का 7 7 49 99 81। अब बोले सर अब तो गड़बड़ हो गई, अब यहाँ पे 3 हो गई। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं, अगर 3 हो गई पीछे सिर्फ एक अंक ही लिखा जाएगा जब तक यहाँ पे 2 ना हो जाए। अगर यहाँ पे 4 अंक हो जाते हैं तब फिर 2-2 बांट लेना, अगर हो जाते हैं वो हम आगे बताएंगे जब आपके 3 अंकों की संख्या का करवाएंगे तब। तो यहाँ पे पीछे लिख लो 6 और आगे लिख लो 12, जोड़ दो 1 8 और 9 10 4 4 2 4 हाथ लगाई 1 9 10 2 12 2 हाथ लगाई 82 ये आ गया। चेक कर लिए, चलो 79 हम कैलकुलेटर में नहीं हम करके देखते हैं। 9 9 81 8 8 9 72 ए सॉरी सॉरी 7 9 63 63 और 8 9 10 11 81 71 63 और 8 हाँ 81 71 7 9 63 6 और 7 7 49 और 49 और 6 50 55 1 4 7 8 9 10 11 12 देखो वही आया जो यहाँ पे लिखा। तो ये वाली ट्रिक देख लो कि आप ऐसे गुणा ज़्यादा जल्दी कर पा रहे हो या फिर ऐसे ज़्यादा कर पा रहे हो। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज दोस्तों को बताएं कि ये तरीका बेहतरीन है, शायद ही ऐसा तरीका पहले पढ़ा हो लेकिन वर्ग करोगे गुणा करके लंबा पड़ जाएगा। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो कितने का करते हैं, कितने का करते हैं, चलो हम करते हैं 94 का, 94 का नहीं 84 का कर देगा, 8 लिख गया ना धोखे से। चलो इसका करते हैं, देखो 8 4 32 और 32 2 64 8 8 64 और 4 4 16 पटक दो बीच में 6 5 7 56 आंसर, समझ रहे हो। अब करते हैं 9 का, कितने का करते हैं आखिरी क्वेश्चन, ठीक है बाकी आप प्रैक्टिस करना जितने भी कर पाओ। हम कर दे रहे हैं 97 का, ठीक है 97 का, 97 का स्कोर नंबर 9 7 63 63 दूनी कर चुके 97 का 63 दूनी 6 दूनी 12 126 9 9 81 और 7 7 49 पीछे सिर्फ एक अंक आगे क्योंकि पीछे से ऐसा कटेगा ना। ठीक है 9 की 9 6 4 10 की 0 हाथ लगाई 1 3 9 4 9 94 100 9 चेक कर लेना यही है कि नहीं। अब ये तो हमने आपको समझा दिया, ट्रिक भी बता दी, कुछ दे रहे हैं हम आपको होमवर्क। होमवर्क प्लीज करना और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देना। ठीक है जैसे 83 का स्क्वायर 76 का स्क्वायर 49 का स्क्वायर 68 का स्क्वायर 69 का स्क्वायर और 72 का स्क्वायर, ये हमें 6 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर आप लोग सीरियस हों पढ़ने के लिए तो ये कमेंट बॉक्स में बताना और ये जरूर बताना कि भैया ट्रिक कैसी लगी। ठीक है आशा करते हैं ट्रिक अच्छी लगी होगी क्योंकि काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है, अभी तक जैसे भी करते हो वर्ग या फिर रटे हो, रटना नहीं है। अगर 17 का भी स्क्वायर हो ना, देखो हम बता दे रहे हैं जैसे मान लो 15 हमने कहा था 25 तक याद कर लेना, कोई याद नहीं करना। जैसे मान लो 17 का है हमें नहीं पता, कोई रटे होगा तो भैया 17 का स्क्वायर नहीं पता ना, कोई दिक्कत नहीं। 17 का स्क्वायर 7 2 14 ठीक है 1 1 1 और 7 7 49 1 और 4 कितना आ जाएगा 289 देखो निकल गया है। कोई नहीं 17 का पहाड़ा पढ़ना, अरे भैया हमें खुद 12 तक पहाड़े आते हैं, हमें ज़्यादा पहाड़े नहीं आते, हमें जो चीज़ नहीं आती हम बताते नहीं, हमें जो आता है वही बताते हैं। ठीक है तो ये था छोटा सा सेशन, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर।